तो गाइज कभी कभी ना एक पूरे के पूरे स्क्वाड के लिए एक ही नेट काफी होता है, और यहाँ पे मैं आपको उसका परफेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। आप बस ये नेट का कमाल देखो। तो यहाँ पे गाइज एक ही नेट से पूरे के पूरे चार बंदे नॉक हो चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा गन क्यों यूज करता, नेट से ही इनको फिनिश करते। तो फिर मैंने एक और नेट फेंका और ये पूरे के पूरे चार बंदे नेट से ही फिनिश हो जाते हैं। और गाइज हमारा अगला क्लच निकल के आता है अपार्टमेंट से। यहाँ पे पूरे के पूरे चार बंदे होते हैं, तो सबसे पहले मैं एक नेट फेंकता हूँ और इस नेट से दो बंदे नॉक हो जाते हैं। तो ये सही मौका था उन पे रश करने का, तो फिर मैं डीबीएस लेके उन पे रश कर देता हूँ। तो गाइज ऐसे ये क्लच भी कंप्लीट हो जाता है, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। और फिर हमारा अगला क्लच निकल के आता है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे सामने की तरफ एक गाड़ी दिखता है, तो यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ उनसे फाइट लेने के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया है, और तभी तो इस नॉक के लिए तो एक लाइक बनता है। और फिर इसका लास्ट बंदा आ जाता है। तो इस तरीके से ये क्लच भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे गाइज मैं रिकॉल होने के बाद अपार्टमेंट उतरता हूँ, तभी मेरा ध्यान किलफील्ड पे जाता है। यहाँ पे एक बंदा अपना ग्लेशियर AKM किलफील्ड में चमका रहा होता है। आप इसका नाम ध्यान से देख लो, क्योंकि इसको हम ही मारेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो बंदे नीचे हैं उनको मारते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो बंदों को नॉक कर दिया है, और अब इसका लास्ट बंदा आता है। यहाँ पे पता ना मुझे इस बंदे की मौली कैसे लग जाती है, इसलिए यहाँ पे मैं फिनिश हो जाता हूँ। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे तीनों के तीनों किल मुझे मिल जाते हैं। उसके बाद मैं फिर से रिकॉल होता हूँ और सीधे जॉर्जो जाता हूँ, जहाँ पे मुझे वो AKM ग्लेशियर वाला जो बंदा होता है वो मिलता है, और उससे हमारी फाइट होती है। तो आप लोग ये फाइट इंजॉय करो। तो गाइज ये वही बंदा होता है जो कि किलफील्ड में अपना AKM ग्लेशियर चमका रहा होता है। तो फाइनली भाई की पेटी हम लोग बना देते हैं। और गाइज यहाँ पे हमारी फाइट प्लेन के टॉप RP प्लेयर के साथ हो जाती है। भाई का नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और भाई ने अपने नाम में YT भी लगाया है, इसका मतलब भाई यूट्यूबर है। तो फाइट इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग फाइट इंजॉय करो। तो यहाँ पे इन दोनों YT वाले भाइयों को नॉक करने के बाद मैं इनके बाकी टीममेट्स का वेट कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे ये दो ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको पैन से फिनिश करता हूँ, ताकि इन भाइयों को गुस्सा आए और ये फिर से अपना बदला लेने के लिए यहीं पे आए। लेकिन इसके बाद अपना फाइट एक्सूट वाले प्लेयर्स के साथ होता है, और ये मुझे चारों तरफ से घेर रहे थे। लेकिन आप ये फाइट इंजॉय करो। तो यहाँ पे मैंने एक्सूट वाले भाई को पेटी में पैक कर दिया है, और अब बारी है उनके बाकी टीममेट्स की। तो गाइज हमारी अगली फाइट निकल गया थी यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ही इंटेंस फाइट होने वाला है। यहाँ पे मैं कैसे बचता हूँ, कैसे जोन में जाता हूँ, आपको देख के मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे टोटल दो बंदे होते हैं, लेकिन एक बंदा अपना फुट नहीं दे रहा होता है। लेकिन फिर भी मैं इन्हें कैसे मारता हूँ और कैसे जोन में जाता हूँ, क्योंकि जोन बहुत छोटा हो गया होता है और जोन का डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया रहता है। तो आप लोग ये फाइट इंजॉय करो।
तो यहाँ पे इन दोनों को मारने के बाद जिस हिसाब से जोन का डैमेज पड़ रहा था उस हिसाब से मुझे लगा कि मेरा भी पेटी यहीं पे बनने वाला है, क्योंकि अब अपने पास हीलिंग के नाम पे सिर्फ बैंडेज बचा हुआ है। और ये जो नया फीचर ऐड हुआ है गेम के अंदर कि आप ड्राइव करते हुए हीलिंग कर सकते हो, ये बहुत मस्त फीचर है। और इसी फीचर के वजह से यहाँ पे मैं बच जाता हूँ। यहाँ पे जोन का डैमेज बहुत ज़्यादा पड़ रहा था लेकिन बैंडेज लगाते हुए मैं ड्राइव कर रहा था और यहाँ पे मैं सक्सेसफुली जोन के अंदर चला जाता हूँ। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा हील वील करता हूँ और उसके बाद दो बंदों को गाड़ी से ही कुचल के मार देता हूँ। तो इसके बाद अपनी नेक्स्ट फाइट निकल के आती है प्रिजन से। यहाँ पे हॉट ड्रॉप हुआ रहता है तो यहाँ पे मैं जल्दी से उतरता हूँ और एक गन ढूंढता हूँ, तभी अपने ऊपर एक स्क्वाड उतर जाती है। और फिर तो इन तीनों की पेटी बनाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी और लूट करता हूँ और उसके बाद जल्दी से आगे की तरफ रश कर देता हूँ। और फिर जल्दी से इन दोनों की भी पेटी बना देता हूँ। तो गाइस हमारी अगली फाइट निकल गई थी इस नया से। यहाँ पे आते ही मुझे सामने की तरफ एक बंदा दिखता है तो उसे मैं नॉक करके फिनिश करता हूँ, लेकिन वहाँ पे दो बंदे फिनिश हो जाते हैं, पता ना कैसे। मुझे तो दो किल मिले और ये अच्छी बात है, लेकिन हम अपने नेक्स्ट फाइट पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आते ही मेरे पे एक स्क्वाड रश कर रही थी और फिर तो एक बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया था, बाकी के टीममेट सामने की तरफ से आ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने दूसरे टीममेट को भी नॉक कर दिया है और अब बारी है रश करने की। तो यहाँ पे मुझे साउंड आ जाता है कि भाई ने वेब शूटर यूज किया है, मतलब कि वेब शूटर यूज करके पीछे गया है अपने टीममेट को रिवाइव देने। तो वहाँ पे मैं रश कर देता हूँ।